गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, रचनाएं एवं उनके साहित्यिक योगदान का अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम उनका परिचय एक दृष्टि में इस प्रकार है। परिचय एक दृष्टि में, नाम महादेवी वर्मा, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, जन्म 1907 ईस्वी, माता पिता श्रीमती हेमरानी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, शिक्षा उच्च शिक्षा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इत्यादि। संपादन चांद पत्रिका, पुरस्कार शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारवती पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान, काव्य सौंदर्य, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, मुक्तक गीतिका शैली, उपमा रूपक श्लेष मानवीकरण आदि अलंकार गीत छंदों का प्रयोग किया गया। मृत्यु 1987 ईस्वी में। अब इसका विस्तृत परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। बचपन में ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। विवाह के पश्चात पुनः शिक्षा प्रारंभ की और एमए की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता इनको प्रदान की गई और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट मानव उपाधि प्रदान की। चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। इनकी यामा कृति पर इनको 1981 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। पीड़ित उपेक्षित लोग इनके कृपा पात्र रहे हैं, परंतु जीवों पर इनका विशेष प्रेम रहा है। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया। महादेवी वर्मा के
हितों में आत्मनिवेदन, समर्पण तथा मिलनोत्कंठा की भावना मिलती है। ये जीवन की उत्पत्ति भी विरह से मानती है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलपात, वेदना में जन्म मरण, जन्म करुणा में मिला आवास। फिर से देखिए बच्चों, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलपात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। रहस्यवाद और छायावाद को लिए हुए इनके गीत हृदय की गहराई को छू लेते हैं। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के हृदय को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा जी के गीतों में है, उतनी किसी अन्य छायावादी कवि के गीतों में नहीं मिलती है। काव्य के साथ साथ गद्य का लेखन भी समृद्ध है। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा और यामा। निहार इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसमें संसार की नश्वरता से संबंधित गीत है। इसमें वेदना तथा करुणा की प्रधानता है। और यामा और रश्मि में आत्मा परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक गीत है। इस संकलन में महादेवी जी का रहस्यवाद शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है। नीरजा कवित्री की दृष्टि, जीवन दृष्टि का विकसित रूप इस संग्रह के गीतों में व्यक्त है। नीरजा में संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का चित्रण हुआ है। इस संग्रह के अनेक गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रांकन है। सांध्य गीत में उनके प्रेमी हृदय की प्रिय से मिलने की आतुरता और व्याकुलता दिखाई देती है। दीपशिखा रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं। यामा में इन्हीं संग्रहों के कुछ गीत स्वयं महादेवी द्वारा बनाए चित्रों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। सत्पर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। महादेवी जी एक गद्य लेखिका के रूप में पर्याप्त चर्चित रही हैं। इन्होंने संस्करण एवं रेखा चित्र विधा को समृद्ध करते हुए चार संकलन प्रकाशित किए, जिनके नाम हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, चौथा मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियां इनके नारी संबंधी निबंधों का संकलन है। छायावादी काव्य में वेदना था दर्द और रहस्य भावना का जो चरमोत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में पाया जाता है, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। अपनी काव्यगत विशेषताओं के लिए ये काव्य प्रेमियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे।
हिंदी गीतों की मधुरतम कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, रचना एवं साहित्यिक योगदान समाप्त हो गया। यहीं पर इतना ही है। धन्यवाद बच्चों।